सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कोकिला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कोकिला भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम उनकी पूजा किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को ये सब पसंद नहीं था। जब देखो ये बुढ़िया पूजा पाठ में ही लगी रहती है, घर के कामों से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, और मैं बेचारी, मुझे ही पूरे दिन घर के काम करने पड़ते हैं और अपनी कमर तुड़वानी पड़ती है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एक दिन मौका पाकर उसकी बहू उर्मिला ने गणपति जी की प्रतिमा को पास के कुएं में फेंक दिया। ये हुई ना बात, अब देखती हूँ वो बुढ़िया दिन भर किसकी भक्ति में लगी रहती है। जीना हराम कर रखा था उस बुढ़िया ने, सुबह चैन से सोने भी नहीं देती, पूजा अर्चना करने लगती है। जब कोकिला घर लौटती है और भगवान गणेश की मूर्ति मंदिर में नहीं देखती तो वो बहुत दुखी हो जाती है। मेरे गणेश जी कहाँ गए, मेरे गणेश जी कहाँ गए? बहू बहू, तूने मेरे गणेश जी की मूर्ति देखी क्या? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ऐसा कैसे हो सकता है, घर से मूर्ति कहाँ गायब हो गई? कोकिला बाहर निकलकर मूर्ति तलाशने लगती है, पर उसे कहीं भी मूर्ति नहीं मिलती। ऐसे ही चलते चलते वे एक राजा के महल के पास पहुँची। राजा का महल अभी बन ही रहा था। वहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री से उसने गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा, तो मिस्त्री कहता है, अरे जा बुढ़िया, मैं तुझे खाली बैठा नजर आ रहा हूँ क्या? जा जाकर अपना काम कर और मुझे भी करने दे। अरे बेटा कर दो ना। अरे बुढ़िया माई, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? जाओ यहाँ से, राजा ने देख लिया तो दंड देंगे मुझे। मिस्त्री ने बुढ़िया को डांट कर भगा दिया और उसकी बहुत बेइज्जती भी की। लेकिन जैसे ही उसने महल की तरफ पलट के देखा, महल टेढ़ा हो गया था। ये देखकर मिस्त्री घबरा गया और वह राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। राजा भी गणेश जी का भक्त था। उसने बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, हे माते, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कोकिला अपना परिचय देती है तो राजा कहता है, अम्मा मैं भी गणेश जी का भक्त हूँ और मुझे पता चला कि आपके गणेश जी की मूर्ति कहीं गायब हो गई है। मैं आपके लिए गणेश भगवान का मंदिर यहाँ महल के पास बनवा देता हूँ, ताकि आपके साथ साथ इस गांव के हर निवासी उनका दर्शन कर सकें। ठीक है राजन, इससे खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। राजा ने गणेश भगवान का मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की। कुछ देर के बाद महल भी सीधा हो गया और कोकिला भी मंदिर को देखकर खुश हो गई। तभी गणेश जी साक्षात प्रकट हुए। हे माते, आपने तो इस गांव में एक भव्य मंदिर बनवा दिया। कहीं मैं आपकी छोटी सी कुटिया में था? आपकी दिल सच में बहुत बड़ा है और ऐसे बड़े दिल के भक्तों को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ माई। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ऐसा कहकर गणेश जी उस मूर्ति में समाहित हो गए और अपने इष्ट के दर्शन पाकर राजा और कोकिला दोनों धन्य हो गए। ऐसी है महिमा हमारे बाल गणेश की। जबलपुर जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता बबलू के साथ रहा करती थी। बबलू पीलू के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। वो बार बार पीलू से कहते थे, अरे पीलू, तेरी शादी करनी है, मैं तो अब बुड्ढा हो चला हूँ। पीलू उनसे कहती है, पिताजी जब कोई सही लड़का मिलेगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, आप चिंता मत करो। पीलू के पिताजी का मेहंदी बनाने का काम था। वो अपने घर के पीछे में मेहंदी के पौधे की उगाई करते थे और उससे वो सुखा कर मेहंदी बनाया करते थे। उनकी नेचुरल मेहंदी लोगों को बहुत पसंद आती थी। पीलू उस मेहंदी को ले जाकर बेचती थी और लोगों को मेहंदी की डिजाइन बना के भी देती थी। पीलू की डिजाइन पक्षियों को बहुत पसंद आती थी। बबली चिड़िया पीलू की तारीफ करते हुए कहती है, वाह पीलू, तूने इतनी अच्छी सुंदर डिजाइन बनाई है कि शादी में सब मेरे ही हाथ को देख रहे थे। हाँ बबली दीदी, क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे से मेहंदी लगवाने आई थी तो मुझे तो इतनी सुंदर डिजाइन बनवानी ही थी कि सब तुम्हारी तारीफ करें। वैसे तुम शादी में सबसे सुंदर दिख रही थी, दुल्हन से भी सुंदर। वे दोनों हंसने लगती हैं, लेकिन पीलू के व्यापार में कालू कौए की नजर थी। कालू कौआ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बेचा करता था। वो पीलू की दुकान से बहुत चिढ़ता था क्योंकि पीलू सबसे अच्छे से बात करती थी और उसके पिताजी की भी बहुत इज्जत थी। अरे ये पीलू मेहंदी ही तो लगाती है लोगों के हाथों में, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर लिपस्टिक हैं, चूड़ियां हैं, नेल पॉलिश है, आईलाइनर है, लेकिन हर कोई इसकी इस दो कौड़ी की मेहंदी से ही खुश होते हैं। मुझे इसकी
कोई काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरे धंधे को ऐसे ही नुकसान करती रहेगी। कालू अपनी पत्नी सुंदरी से बोलता है, अरे सुंदरी कुछ बता, तू तो औरत है, ये पीलू की मेहंदी इतनी बिकती है, मेरे सामान नहीं बिकते हैं। देखो जी, पीलू की काट एक ही है, आप शहर से रेडीमेड मेहंदी बनाने की मशीन ले आएं, उससे औरतों के हाथ में तुरंत मेहंदी बन जाएगी और लोग मेहंदी को दो दो घंटा चार चार घंटा लगा के सुखाने की झंझट से बच जाएंगे, इससे पीलू का धंधा चौपट हो जाएगा। कालू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, वो कहता है, वाह सुंदरी तू तो मुझसे भी ज्यादा चतुर निकली, आह आह आह। अगले दिन शहर से कालू रेडीमेड मेहंदी बनाने की मशीन लेकर आता है और अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है जिसमें लिखा होता है, रेडीमेड मेहंदी सिर्फ 2 मिनट में सूखने वाली। कालू भैया, क्या ये मेहंदी सच में 2 मिनट में सूख जाएगी? हाँ मैडम जी, ये सिर्फ 2 मिनट में सूखेगी और 2 हफ्ते तक रहेगी। कालू की मार्केटिंग के कारण वहाँ पर बहुत सारी औरतें आ जाती हैं और सच में उनकी मेहंदी 2 हफ्ते तक टिकी रहती है, जो कि सिर्फ 2 मिनट में लग जाती है। पीलू जब देखती है तो वो सोचती है कि ये तो सिर्फ एक स्टिकर जैसा है जिसमें हाथ डालते ही उनकी मेहंदी छप जाती है। पीलू की दुकान का नुकसान होने लगता है। उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे पीलू ले देके हमारे पास एक ही तो काम था, वो भी कालू ने छीन लिया, अब हमारा गुजर बसर होना बहुत मुश्किल है, मुझे अब ये मेहंदी की खेती बंद कर देना चाहिए। पीलू कहती है, नहीं पिताजी, ये मेहंदी नेचुरल है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मेरा आज काम नहीं जम रहा है, लेकिन देखना कुछ दिनों बाद वो केमिकल से बनी हुई मेहंदी से लोगों के जब हाथ खराब होंगे तब उन्हें समझ में आएगा। अरे आजकल किसी को कुछ समझ में नहीं आता है बेटी, तू बहुत सीधी सादी है। लेकिन पीलू को अपने पर पूरा विश्वास था। कुछ दिनों बाद कालू की दुकान पर औरतें जमा हो जाती हैं और वे सब उस पे गुस्सा करती हैं और कहती हैं, अरे कालू भैया ये क्या बकवास हमारे हाथ में लगा दिए, देखो ये तो हमारे हाथ से हट ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ जल गए हैं। उसे देखकर कालू चौंक जाता है। तभी दूसरी चिड़िया उस पर चिल्लाने लगती है, कालू भैया मेरी बेटी को आपने मेहंदी लगाई, उसके हाथ देखो कैसे जल गए हैं, ये क्या सत्यानाशी रेडीमेड मशीन लेके आए हो। उन चिड़ियों के पति वहाँ पर आ जाते हैं और कालू से धक्का मुक्की करने लगते हैं। कालू घबरा कर अपनी दुकान तुरंत बंद करके वहाँ से भाग जाता है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं। और अब वापस सब लोग पीलू के पास आते हैं। पीलू नेचुरली मेड मेहंदी से सबके हाथों में सुंदर डिजाइन बना देती है। थोड़े समय बाद उन सभी चिड़ियाओं का हाथ ठीक हो जाता है। अब कालू अपनी रेडीमेड मेहंदी बेचना बंद कर चुका होता है और पीलू की ऑर्गेनिक मेहंदी नेचुरल मेहंदी फिर से चलने लगी। सरसपुर गांव में पीलू अपने बेटे टिल्लू के साथ रहती थी। वो चौक में चाय पकौड़ी बेचा करती थी। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। कुछ दिन पहले ही पीलू के पति बबलू का देहांत हो गया था। टिल्लू का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसकी अच्छी विद्या प्राप्ति के लिए पीलू सरस्वती देवी की पूजा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल बबली मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? पीलू जी, आपका बेटा स्कूल में मेहनत नहीं करता है, वो ज्यादातर ड्राइंग ही करता रहता है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, ऐसे में वो एग्जाम्स में फेल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि टिल्लू को मेरे जैसी गरीबी देखने को मिले। मैं सरस्वती देवी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि उसे सद्बुद्धि दे। घर में पीलू टिल्लू से बात करती है। टिल्लू बेटा, मैं तेरे लिए चौक में खड़ी और चाय पकौड़ी बेचती हूँ और तू है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है तो बेकार में ड्राइंग करता रहता है, ऐसे तो तेरे भविष्य कैसे संभलेगा? माँ, मुझे ड्राइंग में फुल मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप फिक्र मत करो, मैं एग्जाम पास कर लूँगा। लेकिन तो ड्राइंग करता ही क्यों है, पढ़ाई में ही ध्यान क्यों नहीं देता है? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में ड्राइंग करते रहना। तू भी मेरी तरह सरस्वती माँ जी से प्रार्थना किया कर। ठीक है माँ। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है।
वो पूरी श्रद्धा के साथ सरस्वती जी की पूजा करने लगता है, उन्हें सफेद फूल अर्पित करता है और खुशबूदार अगरबत्ती से पूजा करता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो देखती है कि टिल्लू और भी ज्यादा टाइम ड्राइंग बनाने में देने लगा। हे सरस्वती माता, ये लड़का तो और भी कलाकारी में जाने लगा है, ना कि पढ़ाई की तरफ लगता है। मेरी पूजा बेकार ही चली गई, मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी। ये टिल्लू भी लगता है आपसे पढ़ाई छोड़कर कुछ और मांग रहा है। अगर ये पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ा तो इस गरीबी में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पीलू बहुत उदास हो जाती है, वो टिल्लू पर बहुत गुस्सा करती है। टिल्लू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये ड्राइंग करता रहता है? मैं खून पसीना एक करके तुझे पढ़ा रही हूँ, तेरे लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन तेरा कारण मेरी पूजा भी फेल हो गयी। अब तू भी स्कूल में फेल हो जाना, मैं तेरी ये ड्राइंग्स जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन माँ, एक बार देखो तो, मैं ड्राइंग में और भी अच्छा हो गया हूँ। मैं अब किसी की भी ड्राइंग उसके जैसा ही बना लेता हूँ, एकदम फोटोग्राफ की तरह। स्कूल में कॉम्पिटिशन है, उसमें अगर मैं जीत गया तो मुझे विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तभी वहाँ पर सरस्वती देवी प्रकट होती है। रुको पीलू, मैं तुम्हारी और पीलू की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी ही आशीर्वाद से पीलू की ड्राइंग इतनी अच्छी हो गई है। आखिर कलाकार होने भी एक विद्या ही है, मेरे आशीर्वाद से ही इसके अंदर कलाकार भी पैदा हुआ है। अब ये अपनी ड्राइंग की वजह से बहुत तरक्की करेगा, मेरा आशीर्वाद है। माँ, आप कितनी दयालु हैं, आपकी जय हो। मैं अब से टिल्लू को कभी बुरा नहीं कहूँगी। माँ, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद, आपकी जय हो। और फिर इस तरह से टिल्लू अपनी मेहनत और कलाकारी के कारण स्कूल में जीतता है और उसे विदेश जाने का मौका मिल जाता है। कुछ ही समय में वो बहुत पैसे कमाने लगता है, उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस तरह से सरस्वती माता की आशीर्वाद और अपनी मेहनत के बल पर टिल्लू अपनी माँ पीलू के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बेलापुर जंगल एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से होती थी। वहाँ पर विदेशी और दूसरे जंगल के पक्षी भी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए आते थे। यहाँ पर कालू कौवा लालची किसान था, वो अपने फायदे को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था, जबकि पीलू चिड़िया अपने स्ट्रॉबेरीज ईमानदारी के साथ उगाती थी और बाजार में बेचती थी। स्ट्रॉबेरीज ले लो, स्ट्रॉबेरीज, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज, ऐसे पीलू अपनी स्ट्रॉबेरी बेचती रहती है। ये पीलू बहुत शोर करती है, चुपचाप नहीं बेचती है। वो पीलू थोड़ा धीरे आवाज लगाओ ना। कालू भैया, मैं तो ऐसे ही आवाज लगाकर स्ट्रॉबेरी बेचूंगी। आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, मेरे पास कम है, मुझे तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तुम ऑर्गेनिक खेती करके उगाओगी तो कहाँ से स्टॉक होगा तुम्हारे पास। इस तरह से कालू केमिकल से स्ट्रॉबेरीज पकाता था और उन्हें बेचा करता था। उसके घर में केमिकल से स्ट्रॉबेरीज बहुत जल्दी पक जाते थे। एक दिन जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बबली सेठानी पीलू की दुकान में पहुंचती है। पीलू चिड़िया, मैं विदेश जा रही हूँ, मुझे कल तक 20 सूटकेस भर के स्ट्रॉबेरीज चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी बबली जी आपको 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज देने में, लेकिन परसों तक मैं आपको नहीं दे सकूंगी, मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ ना। एक दिन मुझे और आप दोगे तो मैं आपको 20 क्या 25 सूटकेस दे दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ कोई और मुझे दे देते तो। बबली मैडम जी, मेरी दुकान में आइए, आपको 20 सूटकेस तो क्या 30 सूटकेस भर के भी स्ट्रॉबेरीज दे सकता हूँ। स्ट्रॉबेरी कल ही आपके बंगलों में पहुँच जाएंगे।
ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी क्वालिटी में गड़बड़ मिली तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मुझे 50% एडवांस दे दीजिए। इसके बाद कालू को एडवांस मिल जाता है और वो भागकर अपने घर जाता है। उसके पास 20 बोरी कच्ची स्ट्रॉबेरीज होती है। इतने सारे स्ट्रॉबेरीज को रातों रात पकाना पड़ेगा। कल अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं पके तो बबली मैडम मेरी धुलाई कर देगी। फिर कालू कच्ची स्ट्रॉबेरीज पर केमिकल डाल देता है। कालू बहुत खुश होता है कि उसने पीलू को मात दे दी और इतना बड़ा ऑर्डर बबली सेठानी का पूरा किया। अब मजा आएगा, पीलू की दुकान नुकसान में चल जाएगी और मैं ऐसी ही अमीर अमीर चिड़ियों का ऑर्डर लेकर पूरा करता रहूंगा और जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा। अगली सुबह कालू स्ट्रॉबेरीज को देखता है, पूरी 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज पक चुकी थी। वाह, अब तो मुनाफा होगा ही होगा। कालू स्ट्रॉबेरीज को एक गाड़ी में भरकर बबली के बंगलो में जाता है। कालू जब बंगलो पहुंचता है तो वहां पर बबली के कुछ मेहमान आए हुए थे। बबली मैडम, आप अपने मेहमानों को भी स्ट्रॉबेरी खिलाकर देखिए, ऐसी स्ट्रॉबेरीज इन्होंने कभी नहीं खाई होगी। बबली तुरंत ही मेहमानों को खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज देती है। जैसे ही उसके मेहमान स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, अचानक से एक मेहमान की तबीयत खराब हो जाती है। अरे ऐसे कैसे हो गया? गार्ड्स, कालू को पकड़ो और स्ट्रॉबेरीज को लैब में टेस्ट के लिए भेजो। अरे ऐसा कैसे हो गया? मैं तो इतने सालों से केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाता आया हूँ। आपका इतना बड़ा ऑर्डर था, थोड़ा ज्यादा केमिकल्स डाल दिया। केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाते हो? इससे अच्छा होता कि मैं पीलू से स्ट्रॉबेरीज खरीद लेती, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे मेहमान की तबीयत खराब हो गई है। अब तुम्हें मैं मिलावटी के जुर्म में जेल भेजूंगी। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। बबली सेठानी पीलू की दुकान पर जाती है। पीलू, मुझसे गलती हो गई, मैं ज्यादा क्वांटिटी के कारण मिलावटी स्ट्रॉबेरीज खरीद कर ले गई उस मिलावट खोर कालू से। अब तुम मुझे जितनी हो सके ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगी और हाँ, आगे से तुमको ही ऑर्डर दूंगी। मैडम जी, मैं आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दे दूंगी पूरी ईमानदारी से। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दुकान से स्ट्रॉबेरीज खरीदेंगी। फिर पीलू से स्ट्रॉबेरीज बबली और उसके विदेशी रिश्तेदारों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को बबली और भी ऑर्डर देती है। इस तरह से कालू अपने लालच के कारण जेल चला जाता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। नंदनपुर में पीलू चिड़िया नई नई शादी करके बबलू कबूतर के घर आई थी। उसने सोचा था कि जो भी दुख तकलीफें उसने अपने मायके में देखी है वो उसे ससुराल में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बबलू कबूतर का बहुत बड़ा कारोबार था और ससुराल में सिर्फ उसकी सास और एक बबलू की बहन थी। थोड़े दिन हंसी खुशी बीते, पर कुछ दिनों बाद बबलू कबूतर बहुत दुखी मन से घर लौटा। बबलू कबूतर पीलू से कहता है, पीलू, कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है जिसकी वजह से कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर पीलू घबरा जाती है। पीलू कहती है, बबलू अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हमें बच्चा भी होने वाला है। बबलू उसको सांत्वना देता है और कहता है, पीलू तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ऐसे ही समय बीतता है और पीलू को एक बच्ची होती है, लेकिन अभी तक बबलू का कोई भी काम नहीं जमता है। बबलू की माँ उससे कहती है, बबलू जल्दी से कोई नौकरी देख, तेरी बहन की शादी भी करानी है, ऐसे वो कब तक घर में रहेगी, तेरे को तो एक बेटी भी हो गई है। ये सुनकर बबलू भी परेशान होता है, लेकिन उसको फिर भी नौकरी नहीं लगती है। वो दिन भर यहाँ से वहाँ भटकता है। फिर एक दिन बबलू पीलू से कहता है, देख पीलू, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, ये घर बेच देते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा उससे बहन की शादी करा देंगे और थोड़ा पैसा अपनी बच्ची की परवरिश में भी काम आ जाएगा। ये सुनकर पीलू और दुखी होती है, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपना घर बेचना पड़ जाता है। एक साल और बीत जाता है, पीलू और बबलू की बच्ची बड़ी होने लगती है, लेकिन घर में तंगी बढ़ने लगती है। अब माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी
लगी थी। पीलू बबलू से कहती है, बबलू तुम कहो तो मैं कुछ काम करूं, ऐसे घर कैसे चलेगा, माँ की तबीयत खराब है, हमारा घर बिक गया और बच्ची भी बड़ी हो रही है, अब क्या करेंगे। बबलू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, पीलू तू मुझे बार बार क्या ताना देती रहती है, दिन रात मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसा सुनकर बबलू की माँ पीलू से कहती है, बेटा हमारे यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती हैं। पीलू मन मार के रह जाती है। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी, बबलू नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था, तभी उसे जोर से चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर बहुत जोर से गिरता है। बबलू के हाथ पांव टूट जाते हैं। पीलू पर मुसीबत का और बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। पीलू अब अपनी सास से कहती है, माँ जी अब तो मुझे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, इनकी हालत देखिए, आपकी तबीयत भी खराब है और हमारी बेटी को भी तो अच्छा जीवन देना है कि नहीं। बबलू की माँ कहती है, बेटा तू सही कह रही है लेकिन अपने पास पैसे नहीं है, तू क्या काम करेगी। पीलू कहती है, माँ जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, मैं कोशिश तो करूँ कम से कम। और पीलू काम की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगती है और उसको एक चिड़ा मिलता है, वो चिड़ा है गोलू। गोलू चिड़ा पीलू का बचपन का एक दोस्त था जिसको पीलू अपना भाई मानती थी। गोलू भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। गोलू पीलू को देखकर कहता है, पीलू अरे तुम, अरे कहाँ भटक रही हो। पीलू कहती है, अरे गोलू भैया आप, मैं तो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। गोलू पीलू से उसके हाल चाल पूछता है। पीलू अपनी दुख भरी बात बताती है कि कैसे उसके पति के हाथ पांव टूट गए, कैसे उनका घर बिक गया और आज उनके घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं है। ये सुनकर गोलू बहुत दुखी होता है। वो कहता है, पीलू तू फिकर मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। वो उसे अपनी दुकान की तरफ लेके जाता है और पीलू को सोने के, चांदी के और दूसरे गहने से जड़े हुए चूड़ियां दिखाता है और कहता है, देख पीलू ये चूड़ियां तू मुझसे लेके जा और बेचने लग, इसका मुनाफे का हिस्सा तू भी रखना, इससे तेरा घर का खर्च तो निकल ही जाएगा, फिर जब तू अच्छी बिक्री करने लगेगी तब मैं तुझे और भी चूड़ियां दे दूंगा। पीलू बहुत खुश होती है और वो चूड़ियां लेकर जंगल जाती है। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की चूड़ियां ले लो। धीरे धीरे काफी सारी पक्षियां वहां पर जमा हो जाती हैं और पीलू के अच्छे व्यवहार और चूड़ियों की डिजाइन से वे मोहित हो जाती हैं और पीलू से चूड़ियां खरीद लेती हैं। पीलू की मेहनत से उसका चूड़ियों का कारोबार जम जाता है और गोलू उसे और भी चूड़ियां देता है बेचने के लिए। थोड़े ही समय पर बबलू की तबीयत भी ठीक होने लगती है क्योंकि अब उसे अच्छा इलाज मिलने लगता है। जब बबलू पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उससे मिलने के लिए गोलू आता है। गोलू बबलू से कहता है, अरे जीजा जी देखिए पीलू ने कितनी मेहनत से चूड़ियां बेचने लगी। बबलू कहता है, अरे गोलू भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी मुसीबत में हमारा साथ दिया। और थोड़े दिनों बाद बबलू भी पीलू का साथ देने लगता है और इस तरह से दोनों पति पत्नी चूड़ियों का अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर देते हैं। गोलू अब उनका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। इस तरह पीलू की मेहनत और सहन शक्ति रंग लाती है।